हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीटी टीचर अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। यह दोस्तों, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बालकों में भाषा विकास हेतु निम्नलिखित कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन देखेंगे इसके। फर्स्ट है सामान्य अभिवृद्धि, बी है बहुभाषा शिक्षण, सी है धनिक परिवार, डी है शिक्षा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालकों में भाषा विकास करने के लिए या हेतु सबसे अच्छे या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं बालकों में भाषा विकास करने हेतु या करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होंगे, सामान्य अभिवृद्धि होगी। तो आंसर का करेक्ट है इसका अकॉर्डिंग हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ साथ में शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है, ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है जारावस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में या मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ कौन सी अवस्था में होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं मानव में चिंतन का तर्क प्रारंभ जो होता है वो बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में सर्वाधिक रूप में गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है, ए है संपूर्ण जीवन काल में, बी है किशोरावस्था में, सी है बाल्यावस्था में, डी है उपरोक्त में से किसी भी अवस्था में नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में सर्वाधिक रूप में गहन व जटिल समाजीकरण होता है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा समाजीकरण किस अवस्था में होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वह सबसे ज्यादा होती है कि किशोरावस्था में स्टार्ट हो जाती है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है, ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन पूछा कि किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिकरण सुनिश्चित हो जाता है, मतलब निश्चित हो जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि शैशवावस्था में बालक का समाजीकरण सुनिश्चित हो जाता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्य का विकास किस अवस्था में होता है, ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्य का विकास किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है या होता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा होता है कि किशोर अवस्था में संप्रत्य या अमूर्त विकास स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ए है पेवलोव, बी है हॉल्स, सी है कार्ल रोजर्स, डी है हर्बर्ट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिपादक अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के कौन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, कार्ल रोजर्स अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रत्यय एवं भूल सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है, ए है तत्परता का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है बहुप्रतिक्रिया का नियम, डी है मनोवृत्ति का नियम। तो क्वेश्चन पूछा है कि थॉर्नडाइक अधिगम का प्रत्यय एवं भूल सिद्धांत का उनके किस नियम पर आधारित हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे। जैसे कि बात करते हैं थॉर्नडाइक जी ने जो नियम दिया था प्रत्यय एवं भूल जो सिद्धांत है उसके नियम के आधार पर या आधारित है वह है
बहु प्रतिक्रिया नियम, तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा इसका वर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी ए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सी ए क्रिया प्रसूत सिद्धांत, डी ए प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है और यह कथन है जो कि अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं यह क्वेश्चन या अधिगम अभ्यास के द्वारा, हम जो अभ्यास के द्वारा चीजें सीखते हैं वो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इस पे आधारित है, तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? ए सृजनात्मक चिंतन, बी ए आलोचनात्मक चिंतन, सी ए स्वालीन चिंतन, डी ए अभिसारी चिंतन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है, तो निगमनात्मक चिंतन के बारे में पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए अभिसारी चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है, तो आंसर का करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी अभिसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात और अर्जित होते हैं? ए है ब्लेयर एवं संपेंशन, बी ए गैरेट, सी ए हर्जबर्ग मासली, डी ए थॉमसन। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात और अर्जित होते हैं? क्वेश्चन पूछा कि दो प्रेरक ऐसे कौन से हैं जो कि जन्मजात और अर्जित किए जाते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या किस मनोविज्ञान के अनुसार ये बात कही गई थी। तो इसके बारे में बात करते हैं, यह बात कही गई थी हर्जबर्ग मासली के अनुसार कही गई थी, तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने ये सुझाव दिए हैं? ए जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाए, बी ए निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के कालांश निश्चित किए जाएं, सी ए प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए, डी ए प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। तो यह ए बी सी डी कथन दिए गए और इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर दिए गए, ए रॉस के द्वारा, बी ए क्रो एंड क्रो के द्वारा, सी ए स्किनर के द्वारा, डी ए थॉर्नडाइक के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक कौन कौन से सुझाव दिए थे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, यह जो सुझाव दिए थे वो दिए थे स्किनर के द्वारा दिए गए थे, तो आंसर का करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था ए बैसलर वैल्यू परीक्षण में, डी ए स्टनफोर्ड बिने संशोधन 1937 में, सी ए स्टनफोर्ड बिने संशोधन 1916 में, डी ए बिने साइमन स्केल 1908 में। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा कि बुद्धि लब्धि विसर्जन का उपयोग या प्रयोग किया गया था किस सन में किया गया था, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या किसके द्वारा किया गया था, इस प्रकार क्वेश्चन समझेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग जो किया गया था स्टनफोर्ड विने संशोधन 1937 में किया गया था, तो आंसर का करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा वैसे तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसे, क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की व्याख्यान विधि अधिक लाभकारी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, बी ए उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, सी ए उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों हेतु, डी ए उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा कि शिक्षण की व्याख्यान विधि अधिक लाभकारी किस प्रकार से होती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यह इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं
उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु शिक्षण व्याख्यान विधि सबसे ज्यादा लाभकारी होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं और किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर होते हैं, तो आराम से वहाँ पे हम लोग व्याख्यान करके एक्सप्लेन कर सकते हैं और बच्चे मूर्त से अमूर्त की तरह बच्चे आराम से चीजों को समझ पाएंगे। तो आंसर करेक्ट रहेगा इसका हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे अगला, शिक्षण अभिव्यू का निर्माण किया जाता है। ए है शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए, बी है शिक्षण को प्रेरणास्पद बनाने हेतु, सी है अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, डी है शिक्षण उपरांत मूल्यांकन करने हेतु। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण अभिव्यू का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षण अभिव्यू का निर्माण किया जाता है, तो आंसर करेक्ट रहेगा इसका हमारे यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है, अध्यापक द्वारा अपनाई गई यह शिक्षण प्रविधि है। ए है उदाहरण प्रविधि, बी है विवरणात्मक प्रविधि, सी है सम्मेलन प्रविधि, डी है स्पष्टीकरण प्रविधि। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक है और कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय या ताजमहल का टॉपिक पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है, तो यह अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी शिक्षण विधि कहलाएगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा विवरणात्मक प्रविधि होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से छात्रों में विकसित होती है। ए है विश्लेषण योग्यता, बी है तार्किक योग्यता, सी है ए व बी दोनों, डी है मूल्यों का विकास। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से छात्रों में विकसित कौन सी योग्यता होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं जो छात्रों में विकसित होती है वो विश्लेषणात्मक योग्यता या विश्लेषण योग्यता या तार्किक योग्यता होती है, तो आंसर करेक्ट रहेगा इसका कौन हमारा ए एवं बी दोनों, तो करेक्ट आंसर रहेगा यह पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में किन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। ए है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का, बी है अधिगम सिद्धांतों का, सी है शिक्षण सिद्धांतों का, डी है शिक्षण सूत्रों का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में किन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में प्रयोग करना चाहिए या पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रजातांत्रिक कक्षा का मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे को समान तरीके से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना और अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को बोलना या अपनी बात रखना, तो आंसर करेक्ट रहेगा इसका होने वाला ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की भूमिका होती है। ए सहायक एवं मार्गदर्शक की, बी ए अनुशासन स्थापना करने वाले की, सी ए नियंत्रक की, डी ए योजना के नेता के रूप में। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की किस प्रकार की भूमिका होती है, ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि में सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका अध्यापक की होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन लिखते हैं, मूल्यांकन मापन की तुलना में है। ए व्यापक, बी है सामान्य, सी है संकुचित, डी है प्रभावहीन। तो क्वेश्चन पूछा है कि मूल्यांकन है जो कि मापन की तुलना में किस प्रकार से है, ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। तो मूल्यांकन है मापन की तुलना में पूछा जा रहा है, तो जैसे कि हम बात करते हैं एक बार ऑप्शन और देखेंगे, व्यापक ए के अकॉर्डिंग, सी है माफ कीजिए बी है सामान्य, सी है संकुचित, डी है प्रभावहीन।
तो क्वेश्चन में पूछा कि मूल्यांकन मापन की तुलना में किस प्रकार से है, ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि मूल्यांकन व्यापक मापन की तुलना में है, मूल्यांकन क्या है बड़ा होता है मापन की तुलना में, तो आंसर सीधा करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा ए व्यापक। टिक करेंगे यहां पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? ए वचन परिशुद्धता गति तथा बोध की समस्याएं, बी है सीधे व उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, सी है लिखने की धीमी गति, डी है छिपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। सीटेट में भी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, नहीं में होते हैं और हम क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ते हैं और उसको समझते नहीं और उसका आंसर दे देते हैं, तो आंसर फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को पहले बी कर भी पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो नहीं में क्वेश्चन पूछा गया है, तीन या पॉजिटिव है वो आपके आंसर नहीं होंगे और नेगेटिव होगा वही आपका आंसर होगा। तो जैसे देखेंगे एक दोबारा से, तो जैसे हम बात करते हैं वचन परिशुद्धता गति और बोध की समस्या, ये डिसलेक्सिया के अकॉर्डिंग होती हैं। और जैसे हम बात करते हैं बी में सीधे व उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, अगला देखेंगे सी की धीमी गति, यह भी होती है, छिपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई, यह भी होती है। जो नहीं होती है वो है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, तो इससे डिसलेक्सिया का कोई संबंध नहीं होता है या विशेषता नहीं होती है। तो आंसर सीधा करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व ए अभिभावक की मत को देना चाहिए, बी ए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, सी ए शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, डी ए समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे मानना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे, तो जैसे कि बात करते हैं कि प्रतिभावान बालक हैं होते हैं उनकी पहचान करने के लिए हमें सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, जो कि है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के माध्यम को देना चाहिए। तो आंसर सीधा करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला ऑप्शन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? यह विश्लेषण और निर्णय, बी है रुकावट को दूर करना, सी है दूसरे लक्ष्यों को का प्रतिस्थापन, डी है उदात्तीकरण। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं उदात्तीकरण सबसे अच्छा अप्रत्यक्ष ढंग होगा, तो आंसर सीधा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कलांश में उन्हें ये एक कोने में बिठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें, बी ए अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी ए केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, डी ए कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा कि कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं जो कि खेल में उन्हें या खेल के कालांश में उन्हें किस प्रकार से कार्य कराना चाहिए या किस प्रकार की क्रिया करानी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं इस प्रकार के बच्चे होते हैं उन्हें केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, तो आंसर सीधा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, माफ कीजिएगा केवल जो कि है हमारा नेगेटिविटी दर्शा रहा है, ये नेगेटिविटी पॉइंट होते हैं हमारे या नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, हम जो कि टैग वर्ड बताते चले आए हुए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई देखने में, ये केवल आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में, तो 99% केस में आपके आंसर नहीं होते हैं। अगर यह क्वेश्चन
नेगेटिव में पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता, अगर नेगेटिव में नहीं पूछा गया, पॉजिटिव पूछा गया तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। तो ये हमारे टैग वर्ड होते हैं नेगेटिव वाले, जो कि हम बताते चलते हैं हर क्वेश्चन पे जब भी आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वो चाहिए अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। इसमें टैग वर्ड आया प्रोत्साहित करना, आपको इस प्रकार के टैग वर्ड होते हैं जो कि हमारे प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, ये हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, उन्हें अवसर देना, स्वयं से कार्य कराना, ये हमारे टैग वर्ड होते हैं। और अगर ये आपको ऑप्शन मिल जाए और पॉजिटिव में क्वेश्चन हो तो आपके 99% केस में आपके आंसर हमें ये उपलब्ध कराते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। विद्यार्थियों द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। ए सकारात्मक अंतरण का, बी ए नकारात्मक अंतरण का, सी ए शून्य अंतरण का, डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, यह क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक टीचर गणित की कक्षा में भूगोल की कक्षा में या भूगोल की कक्षा के उदाहरण उसमें प्रस्तुत कर रहा है, तो यह किस प्रकार से उदाहरण होगा या किस प्रकार का कार्य है, यह क्वेश्चन समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा बात करते हैं, यह सकारात्मक आंतरण होगा, यह सकारात्मक आंतरण का है, तो आंसर क्या करेगा इसके अकॉर्डिंग हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को कमेंट करें हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम में से कुछ लोग, कुछ तो लंबे हैं और कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं और जो कुछ काले हैं, कुछ लोग तो मजबूत हैं और कुछ कमजोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ए बुद्धि एवं लैंगिक भिन्नता पर, विभिन्नता पर, बी ए बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, सी ए व्यक्तिक विभिन्नता पर, डी ए व्यक्तिक प्रगतिशील पर या प्रगतिशीलता पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा कि हम में से कुछ लोग होते हैं जो कि लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं और कुछ गोरे होते हैं और कुछ काले होते हैं, कुछ लोग मजबूत होते हैं और कुछ लोग कमजोर होते हैं, तो यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है यह सिद्धांत, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ए व्याख्यान विधि को, बी ए दत्त कार्य को, सी ए कहानी कथन को, डी ए समूह चर्चा को। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता किस पर देनी चाहिए या किसे देनी चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षा में कहानी कथन कथन को ये कक्षा में पढ़ाते समय सबसे ज्यादा एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो आंसर क्या करेक्ट रहेगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सी। क्योंकि बच्चे क्या है, कहानियों से जल्दी सीख जाते हैं, अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार क्वेश्चन को इसके और देखते हैं कि कुछ बच्चे क्या है इसमें समूह चर्चा कर देंगे, समूह चर्चा की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है, तो निचली कक्षा की बात की, निचली कक्षा का मतलब प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम समूह चर्चा में चले जाएंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए कहानी से क्या बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कहानी की स्वप्न दोष होती है, मतलब सपने की तरह होती है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो बच्चे अच्छी तरह से सीख जाएंगे। समूह चर्चा में क्या है बच्चे छोटे होंगे तो वो क्या बात कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंग यह चीज़ें नहीं हो पाएंगे, ये बड़ी कक्षाओं में अच्छी तरह से सीख पाते हैं समूह चर्चा का, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ए
समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, बीए सभी विषयों का मूल्यांकन, सीए संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डीए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन किसे इंगित करता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इंगित करता है। तो आंसर क्या करेक्ट है इसका अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, बी ए विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, सी ए अध्यापक में कुंठा, डी ए सीखने में समृद्धि संसाधन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है, ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि बात करते हैं कि एक कक्षा में अगर बहुभाषी बच्चे हैं तो यह स्थिति सीखने में समृद्धि संसाधन का उपयोग या स्थिति उत्पन्न करती है। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे, ए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, बी उसकी समस्त माफ कीजिए उसकी अक्षमता का किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, सी है उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, डी है उसकी बैठक व्यवस्था के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। यह क्वेश्चन में पूछा ऑप्शन बोला जा रहा है। तो जैसे की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा करा जा रहा है, बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम है तो आप क्या करेंगे। यह क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कई क्लास में टीचर हैं या विद्यालय में टीचर हैं तो आपकी कक्षा में कोई बच्चा पढ़ने में अक्षम है तो आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम उसकी अक्षमता है उस किस प्रकार की अक्षमता है और उसे जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आंसर द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, ए स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, बी दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, सी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, डी दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा कि अंतवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो अंतवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य के बारे में पूछा गया है। तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे विभिन्न व्यक्तियों को समझाने का कौशल अंतवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य होगा। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसका हमारे यहाँ पे सी। दोस्तों सेशन यहाँ पर हमारा यही पे समाप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हमारा जो वीडियो का टाइम है वो करेक्ट 8 बजे का है, किसी कारण बस 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।